बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राय वसीम अली अग्रेरियन और अग्रेरियन नेटवर्क चैनल पर अपने काश्तकारों को, अपने नाज़रीन को वेलकम करता हूँ। इस वक्त मैं गंदम के उस फील्ड में मौजूद हूँ जो मेरे चैनल पर एक ऐसी वीडियो मैंने अपलोड की जो कि किसी भी दूसरे चैनल पर नहीं थी। ये बेड्स पर गंदम काश्त की गई है, जड़ावाला में राय असल शहजाद साहब का फार्म है, उधर काश्त की गई है। इसकी अपडेट पहले भी मैंने सोइंग से लेकर उसके बाद भी दो तीन वीडियोस बनाई हैं और अभी ये गंदम जो है अभी पूरा सारी सिट्टा निकाल चुकी है गोब की हालत में। तो अभी मैं आज भी राय साहब के पास आया हूँ, राय साहब से अभी तक की सिचुएशन पर, इस गंदम के फील्ड पर राय साहब से डिस्कस करेंगे कि अभी तक वो अपने फील्ड से कितना मुतमिन है और वो जो रिकॉर्ड पैदावार लेने की बात कर रहे हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान के से भी वो दुनिया का एक रिकॉर्ड कम्पीट करना चाहते हैं, उस पर बात करेंगे कि वो इस अपने खेत से कितना मुतमिन है और क्या अभी तक का फर्टिलाइज़र प्लान रखा है, क्या वो जतन किए हैं ताकि वो एक अच्छी पैदावार ले सकें। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम राय हसन शहजाद है। मेरा ये फील्ड है कि इत्थे असी गंदम दी नवे तरीके नाल कुछ लाण दी कोशिश कीती कि असी थोड़े रकबे दे अंदर कोई ऐसी टेक्नीक इस्तेमाल करिए कि जिंदे नाल असी ज़्यादा पैदावार ले सकीए, क्योंकि शौक दे हिसाब नाल देखदे रहिंदे आ कि दुनिया दे यूरप ममालिक या एशियाई ममालिक दे अंदर गंदम दी एवरेज दा लैवल कित्थे जा रहा, कितने एकड़ चू कितनी एवरेज ले रहे। इस चीज़ा नू पढ़दे आया काफ़ी सारी टेक्नीक ते काम कीता दो तीन साल तो, लेकिन कोई टेक्नीक उस लैवल दे बराबर नहीं जा रही सी। असी फिर पिछले साल थोड़े जे रकबे ते कोई तीन तो चार कनाल ते एक तजर्बा कीता, इस दफा असी एक ज़्यादा रकबे ते तजर्बा कीता। तजर्बे दे अंदर असी गंदम दा बीज 50 kg इस्तेमाल कीता, खाद DAP 1 bag इस्तेमाल किया, उस दे नाल यूरिया वक्तन फवक्तन इस्तेमाल करते रहे और फोलियर ते असी बड़ा ध्यान किया जिस दे अंदर जिंक है, हिमेकेसड है, सल्फर है और दूसरे इनग्रीडियंट्स जिस दे अंदर स्प्रे दे अंदर फिर आ जाते हैं कि असी इस नू इमाइनो एसड, पोटाश, इस तो इलावा फंजीसाइड, इन्हां चीज़ां वास्ते वक्तन फवक्तन इस ते असी खर्च करते रहे, इन्हां चीज़ां नू असी लिआउंदे रहे। सब तो पहला साड़ा मकसद आ कि कोई भी चीज़ है गंदम दी, इस टाइम गल करांगे इनदी नंबर ऑफ प्लांट्स नाल असी एक अच्छी एवरेज ले सकते हैं कि जिस तरह तुहाडे सामने फील्ड है इस दे अंदर आम फील्ड दे मुकाबले दे अंदर नंबर ऑफ प्लांट्स दी तादाद बहुत ज़्यादा है और सिट्टे का साइज़ बहुत अच्छा है, सिट्टे का साइज़ बहुत इंतहाई शानदार है। अगर असी नाड़ की गल करिए तो आम गंदम के मुकाबले के अंदर इसका नाड़ बहुत ज़्यादा मोटा है। फिर इस दे अंदर नाल ही असी एक पानी के चैनल की अगर गल करिए तो पानी का चैनल भी इतना एक अच्छा और खूबसूरत है कि लास्ट वीक के अंदर असी गंदम नू बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अच्छा खासा पानी चढ़ा के लाया। पानी दे लाण नाल सानू खदशा आ के किधरे हवा वगैरह, अज भी हवा चल रही है, तकरीबन कोई हफ्ता डेढ़ हो गया लगातार हवा चल रही है। हवा चलन नाल 1% किसे जगह ते फील्ड चेक करो, किसे पोजीशन दे अंदर कोई एक पौधा भी नहीं गिरया। क्यों नहीं गिरया? क्योंकि इसकी जर्मीनेशन ऐसी हुई, रेज दे नाल पानी दे नाल साइड ते हुई, उस दे नाल बूटे दा साइज बहुत अच्छा बनया, इस दी जड़ नूं फलन फुलन दा बड़ा अच्छा मौका मिलिया और साड़ियां इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त किस्म दी एक्सपेक्टेशनां ने कि असी इहदे तों बहुत ज़्यादा अच्छी एवरेज लैण ले इंशाल्लाह ताला जावांगे। शुरू दे अंदर असी समझदे आ कि सानू आम रिवायती जिस तरह 50 to 60 मण तक एवरेज आउंदी है, जदों असी काश्त कीती असी चले गए कि असी 80 to 100 तक चले जावांगे, लेकिन हुण जदों गंदम ते खर्च किया, गंदम नू स्टेप बाय स्टेप चेक किया, वक्त दे नाल नाल देख दे गए, हुण सानू इंशाल्लाह ताला बड़ा यकीन है कि इंशाल्लाह 125 मण यानी 125 मण तो लेके 160 मण तक असी इंशाल्लाह इहदे चों एवरेज लैण दा बिल्कुल ख्वाहिशमंदा और इंशाल्लाह ताला सानू बड़ियां उम्मीदां ने कि साडी इतनी एवरेज जरूर आवेगी। माशाल्लाह राय साहब, पानी अब तक कितने पानी लग चुके हैं आपके इस फील्ड को? अच्छा, ये बड़ी एक काबिले गौर और लोग सोच के इस चीज़ नू बड़ा हैरान समझते हैं
कि सर 28 अक्टूबर दी ये काश्त है, मतलब 28 अक्टूबर बहुत अर्ली स्विंग कर दी थी, और हुण तक आज दी डेट तक असी नु तकरीबन 12 पानी ला चुके हैं। आम तौर ते नॉर्मली गंदम नु असी 3-4 पानी दे अंदर पका लैने हैं, और असी इनु 12 पानी ला चुके हैं, और हर पानी दे नाल कोई ना कोई चीज़ इस्तेमाल करते गए। कोई इतना लम्मा चौड़ा खर्च नहीं होया, कोई इजाफी खर्च नहीं होया, बस थोड़िया थोड़िया चीज़ों इंप्लीमेंट करद्या करद्या इस स्टेज पर पहुँच गए। और साड़ा चैलेंज है कि इंशाल्लाह ताला जो तरीके नाल मैं कदम लवाई है, इस तरीके नाल इंशाल्लाह नैक्सट ईयर पूरा पाकिस्तान लाएगा, पूरा पाकिस्तान लाएगा, क्योंकि इस तरीके दे नाल लाई हुई गंदम दे नाल इंशाल्लाह डेफिनेटली एवरेज हाई आनी है, क्योंकि वधे हुए रकबे सोसाइटीज की वजह तो सानू हुण ऐसे तरीके अपनाने चाहिए ने कि जिस दे अंदर असी ऐसा तरीका इस्तेमाल करिए जिन दे नाल साड़ी पैदावार वध सके। और इस गंदम दे नाल एक होर बड़ा फायदा है कि साड़ा 2 फुट का बैड है, असी इस दे अंदर इस टाइम एक पानी ला के कमाद की भी फसल काश्त कर सकते हैं, क्योंकि अज पर एकड़ 30-40 हज़ार रुपए जमीन नू तैयारी का खर्च है, लिहाजा असी 30-40 हज़ार रुपए एक अच्छे सीड ते इस्तेमाल कर लिए तो सानू एक टाइम दे अंदर मल्टी क्रॉपिंग करदे आ सानू बहुत ज्यादा बचत हो सकती है। जदों तक गंदम की कटाई होनी उन्नी देर तक कमांड एक अच्छी रूट्स बना चुके होना। अच्छा राय साहब, अभी जब ये गोब की हालत में अभी पूरा सिट्टा निकाल चुकी है, आपने इस पर जो इस्तेमाल किया बुरान और दूसरा पोटाश की क्या डोज रखी है आपने? हमने इसको जो बुरान है वो 1 kg इस्तेमाल किया, साथ में पोटाश 2 लीटर इस्तेमाल किया, लिक्विड फार्म ठीक हो गया इस्तेमाल की, और साथ में उसने हमने फंजीसाइड और तेले के लिए भी स्प्रे इस्तेमाल किया था। 4 चीजों को मिक्स करके इस स्टेज पे मैं काश्तकार भाइयों को एक इन्फॉर्मेशन देता चलूं, कई यहाँ फेसबुक चैनल्स पे लोगों को गलत मशवरे दे रहे हैं कि वो यूरिया खाद का इस स्टेज पे स्प्रे की सूरत में भी इस्तेमाल करवा देते हैं। तो काश्तकार भाइयों, ये तरीका स्प्रे में यूरिया खाद का इस्तेमाल करने वाला कतई गलत है। यूरिया खाद का अगर आप यहाँ पे फ्लड का इस्तेमाल करेंगे उससे भी तेला पड़ जाएगा, अगर स्प्रे करेंगे तो उससे डेफिनेटली तेला पड़ जाएगा। यूरिया का तो करना ही नहीं ना चाहिए, बिल्कुल यूरिया का तो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। आप इस फील्ड को दिखाएं, मैंने इस फील्ड को 4 एप्लीकेशन के अंदर पर एकड़ सिर्फ 1 बैग यूरिया का इस्तेमाल किया है, यानी वो तकरीबन 12 kg पर एकड़ के हिसाब से फर्टिलाइजर बनती है। मैंने 12 kg हर 4 एप्लीकेशनों में 12 kg यूरिया का इस्तेमाल किया, वो आपके सामने टोटल 1 एकड़ में कितने बैग यूरिया का इस्तेमाल किया? 1 एकड़ के अंदर हमने टोटली 1 बैग यूरिया का इस्तेमाल किया, जिसको हमने 4 एप्लीकेशनों में इस्तेमाल। आपने फोलियर एप्लीकेशन का ज्यादा इस पे फोकस किया, फोलियर एप्लीकेशन को रखा है? हमने इसमें फोलियर जो है ना उसको ज्यादा फोकस, मतलब स्टार्टिंग आपके अर्ली जो 2 मंथ्स थे, मतलब 60-65 दिन थे, उसमें आपने फोलियर स्प्रे करवाते रहे ताकि आपकी गंदम ग्रोथ में भी अच्छी रहे और अच्छा प्लांट ग्रो करे। फोलियर का ज्यादातर हम इस्तेमाल फ्लडिंग में करते रहे। अच्छा, कि हमने इनिशियल स्टेज में इसको जिंक का फ्लड किया 6 लीटर पर एकड़ के हिसाब से, साथ फिर 1 पानी ठहर के अगले पानी हम इसको 7-8 दिनों के अंदर इस्तेमाल करते रहे। सर्दी धुंध और सारा कुछ होने के बावजूद हम 7-8 दिनों में इस पे पानी का इस्तेमाल करते रहे। पानी कम इस्तेमाल करने से एक तो टिलरिंग कम होती है और फसल की नशोनुमा कम होती है, तो हमने इस पे पानी का इस्तेमाल इस टाइम तक अच्छा खासा कर लिया, और नेक्स्ट इंशाल्लाह पकने तक 4 पानी मजीद लगाने का प्लान है। पूरा एक पेपर वर्क है कि हम इसको, जो दोस्त हमें इस चैनल पे देख रहे हैं वो हमारा नंबर साथ ऐड होगा, हमारे साथ मशवरा कर सकते हैं, आने वाले साल के लिए हमारे साथ कोई भी इस हवाले से हमारी रहनुमाई दरकार हो तो इंशाल्लाह हम उसके लिए हाजिर हैं। जी बहुत ज़बरदस्त। अभी भी जो राय साहब का ये फील्ड है ये अभी ना वेट कंडीशन में है, इसमें मॉइस्चर है, नमी है, क्योंकि ये रखी हुई है और अभी 3-4 पानी और लगाने का जिस तरह राय साहब कह रहे हैं वजन रखते हैं। तो ये राय साहब अभी आज जिस तरह आज 23 फरवरी है, तो ये आपकी जो ये क्रॉप है आप क्या तवक्को रखते हैं ये
अप्रैल के किस डेट तक ये तैयार हो जाएगी पक्के? मैं इंशाल्लाह ताला एक लाए अमल बनाया हुआ है, बाकी अल्लाह के काम है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 15 अप्रैल के 2-4 दिनों के अंदर इंशाल्लाह हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे और अपने दोस्त अहबाब को इंशाल्लाह इसमें शिरकत की दावत भी देंगे और साथ साथ हम उस दिन लाइव इस पे काम भी करेंगे ताकि जो दोस्त हैं पूरी दुनिया में हमें देखने वाले, इस तरीके से जो फायदा उठाने वाले लोग हैं उनको भी इस तरीके का, इससे एवरेज और सारे सिस्टम उसका भी पता चल जाए। क्योंकि इस टाइम हर चीज के रेट इतने बढ़ चुके हैं कि जो काश्तकार समझदार हैं वो समझते हैं कि हमारी अगर 10-15 मन भी पर एकड़ पैदावार बढ़ जाए तो उससे अच्छे खासी आमदनी आ सकती है। जी राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। राय साहब का यकीनन ये एक बहुत बड़ी कावश है कि एक ज़रई जिनस जो इसकी पाकिस्तान में इंतहाई किल्लत और कमी पाई जाती है और बुरहान पाया जाता है, राय साहब ने उसको डिफरेंट पैटर्न से उगाया है और उसे एक बहुत अच्छी प्रोडक्शन लेने का वो एक इरादा एक जेन रखते हैं। तो हाँ, हमारी ये ख्वाहिश है कि राय साहब अपने इस फील्ड से बहुत अच्छी एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन लें और हम इस प्रोडक्शन को अपने दूसरे काश्तकारों के साथ भी शेयर करें। और हमारी ये भी दुआ है कि नागानी अफात हीट वेव से ये क्रॉप बची रहे। जिस तरह टेम्परेचर अभी रेज कर रहा है तो टेम्परेचर रेज अगर मजीद और होता है तो ये ओवरऑल क्रॉप वीट के लिए भी नुकसान दे, तो इससे हमारी ये क्रॉप बची रहे ताकि एक ही अच्छी प्रोडक्शन दे सके। रह सब एंड पे आप वीडियो का इख्तिताम करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मेरा काश्तबार भाइयों को एक मशवरा है कि लास्ट ईयर हीट की वजह से काफ़ी सारी हमारी जो गंदम की पैदावार है वो डैमेज हुई थी, तो इस चीज़ से बचने के लिए मेरा काश्तकार भाइयों को मशवरा है कि नेक्स्ट ऐसे तरीके से प्लांटिंग करें, गंदम की काश्त करें जिससे आपको जिस मर्जी स्टेज पे जितने मर्जी पानी लगाने पड़े उससे आपकी जो फील्ड है उसका मॉइस्चर ना ख़त्म हो। तो हमने ये बेड रेस पे इसलिए काम किया है ताकि इसके अंदर हम इसको पानी लगाते रहें और जो मॉइस्चर लेवल है वो कम ना हो। मॉइस्चर लेवल कम होने से एक तो दाना बारीक रह जाएगा, पिचक जाएगा, जिससे डेफिनेटली आपकी एवरेज कम होगी। मेरा ये सारे काश्तकार भाइयों के लिए मशवरा है कि अपनी गंदम को डेली बेसिस पे विजिट करें, उसको तेला फंजी साइड कुंगी या कोई और भी ऐसा मसला आता तो उसका जल्दी से जल्दी तदारक करें। जी राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं हमारे चैनल पर ये एक इंफॉर्मेटिव एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियोस हमारे नाज़रीन को पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एग्रीकल्चर फसलों की मालूमात हम आप लोगों को एक क्रिएटिविटी एक अच्छे अंदाज में पहुंचाते रहें। जी।